परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर बाइक सवार तीन लोगों ने एक युवक को गोली मार दी। गोली पेट और हाथ पर लगने से वे गंभीर घायल हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस से घायल ने कहा कि आरोपियों का उसकी हत्या का इरादा था, इसके पीछे पिंटू और जीतू का हाथ है। आरोपी घायल युवक के दोस्त बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी अनुसार ललित पिता रमेश मीना को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी है। युवक परदेशीपुरा स्थित पेट्रोल पंप पर काम करता है। दोपहर में शिफ्ट होने से वह एक्टिवा से काम पर निकला था। कुलकर्णी भट्टा स्थित नाले के पास घात लगाए बैठे तीन बाइक सवारों ने उसे गोली मार दी जो उसके पेट और हाथ पर लगी। घायल ने तत्काल इसकी सूचना अपने भाई को दी, जिसके बाद भाई ऑटो से मौके पर पहुंचा और उसे अस्पताल ले गया। जीतू यादव ने पहले भी इसको मारा था, उसको चाकू मारा था पहले भी। बोले भैया मेरे को गोली मार दी और मैं यहाँ ओम प्रकाश खटके वाली गली में हूँ, तो मैंने रिक्शा करके ये बच्चा मेरी गोद में ही था, बच्चों को लेके गया तो वहाँ पे पड़ा हुआ था। ये रिक्शा छोटा भैया क्या करता है? पेट्रोल पंप पे काम करता हूँ। अभी आधे घंटे पहले बताया ना, विनय सरवन और संदीप नहीं, विवादी बात नहीं, साथ में खाते पीते हैं, घर में उठना बैठता है इनका। बस जा रही है पंप पे जा रही हूँ, ड्यूटी रहती उसकी। पुरानी दोस्ती है और क्या पता क्यों मार दी उन्हें, पेट में लगी और क्या हाथ पे लगी। नहीं अब ये गोली का बोल रहा, गोली मारी है। अरे तो ये सभी नाम क्या है? सत्य नाम। मैं भी पेट्रोल पंप पे काम करता हूँ, आनंद पेट्रोल पंप के लिए। ये छोटा सा बालक है, अभी एक लड़की घात लगा के बैठे थे। हाँ घात लगा के बैठे थे। नहीं नहीं क्या पता उनके मन में क्या खाते पीते और क्या पता क्या करते आज। अभी मैं ड्रेसिंग करा के आया, गाड़ी लेके गया था, मैं ड्रेसिंग करा के आया, मेरे से बस गाड़ी लेके गया तो 10 मिनट राजकुमार ओवर। क्या हो गया?